हाय एवरीवन, माय सेल्फ सोनू। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, हालांकि देखा जाए तो ये चैप्टर काफी बेसिक है, काफी बेसिक है। इसमें अगर आप बेसिक आपका क्लियर हो गया तो मतलब कुछ इसमें खास बचा नहीं। मतलब अगर आप बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपको सारा क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आज का जो टिप लेक्चर फर्स्ट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देख लेते। राइट, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, अब देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला बात की क्या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, कहाँ से आया इसका बेसिक क्या वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल या इसका एक और नाम होता है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, और तीसरा क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक, पोटेंशियल के बारे में। फिर फोर्थ क्या है, हाँ ये है आपका सबसे मेन नॉस्ट इक्वेशन। गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जेई। यू कैन आल्सो कंसीडर सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वन फैराडे लॉ। फैराडे, इन फैराडे देर आर टू लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। और जो फर्स्ट लॉ है अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई प्रोस्पेक्टस। ठीक, तो मतलब फर्स्ट लॉ फैराडे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंडक्टेंस से देखिए ये जो तीन टॉपिक लगातार ये तीनों जो टॉपिक है ये वाला। ठीक, ये वाला फैराडे फर्स्ट लॉ और कंडक्टेंस, ये तीन टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन टॉपिक कंडक्टेंस आपका नीट जेई के लिए फेवरेट है, लेकिन हालांकि जेई में काफी क्वेश्चन पूछता है इसे, नीट एंड जेई के लिए फेवरेट है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इशू क्या होते हैं हम लोग बैटरी भी बोलते हैं बैटरी। और उसके बाद ईटीसी, ईटीसी बोले तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा जो टॉपिक बचेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक ना, ये सब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी है थोड़ा छोटा छोटा वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते क्या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखा जाए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिक ऑफ देखिए, तो पहले हम सबसे पहले बात क्या करते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में। एनर्जी, यू नो एनर्जी, जानते होंगे। तो एक होता है क्या ट्रांस ट्रांसफर होता है, दूसरा क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इन ट्रांसफर जनरली द एनर्जी विल बी ट्रांसफर, द एनर्जी विल बी ट्रांसफर। एनर्जी बिटवीन द एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, वन बॉडी टू अनदर, अनदर। राइट, जैसे अब सिंपल सा बात एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक बीकर है जिसे पानी को हम बॉयल कर रहे हैं। ठीक, जैसे इसको क्या दिए हीट दिए, ठीक हीट है ये सब ये हीट है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हीट हम किसको दिए बीकर को दिए, तो बीकर का ये जो लोअर पार्ट है, बीकर का ये जो लोअर पार्ट है ये वाला लोअर पार्ट, इसके टच में कौन है आपका हीट है, ये जो हीट है इसके टच में है। और कुछ देर बाद क्या हुआ यही हीट किस किसके टच में आ जाएगा, इस वाटर टच में। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है इससे हीट लेकर किसको दे रहा है, किसको दे रहा है वाटर को दे रहा है। वही बोल रहे हैं क्या देखिए वन बॉडी से, मतलब कि आपका जो
बीकर का जो बॉटम पार्ट है वो आपका क्या कर रहा है, हीट को हीट का ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम बीकर टू वाटर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक इसमें डील करते हैं हम लोग थर्मोडायनामिक्स, थर्मो डायनामिक्स में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। हालांकि ये लोग अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले, ये फिर कभी, ठीक। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, नाम ही ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, मतलब ये जैसे माने कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इनर्जी में कन्फर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। या इलेक्ट्रिकल इनर्जी सॉरी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल इनर्जी में कन्वर्ट। वैसे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास एलपीजी है, एलपीजी को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, क्या बनता है हीट। ये क्या हुआ मेरा केमिकल है, केमिकल रिएक्शन किस पर कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल आई मीन इनर्जी में, हीट इनर्जी में, ठीक। ये क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बता दें कि ये जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्वर्ट होता है ये आपका होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसका क्या मतलब, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का ध्यान रखिएगा। स्पॉन्टेनियस वैसा रिएक्शन जो खुद हो जाए, मतलब खुद हो जाए, उसको कुछ देना ना पड़े, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या हीट, ये हम लोग को देना ना पड़े, वो खुद ब खुद हो जाए, वो हो गया क्या स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वैसा रिएक्शन जिसको कुछ देना पड़े सप्लीमेंट के लिए, जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, राइट, कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं आप, ये सब हो गया देने के, देते हैं तो क्या होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो खुद से ना हो उस पर एक प्रेशर डाला जाए कि तुमको करना है तो हम कुछ देंगे, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया क्या, अब देखिए यही जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है यही, हाँ ये जो पार्ट है यही पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले किस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। थोड़ा सा कचरा हो गया हम आपके लिए उसके लिए, ठीक ना, इसको हम क्लियर करते हैं। तो सिंपल था ये, तो बेसिक था और कुछ खास नहीं था, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन में, वही हम डिस्कस शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ही बोल सकते हैं, उसी का स्टडी करेंगे, ठीक। अब चलते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे, चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। दो साइंटिस्ट थे, नाम क्या क्या था, नाम था उनका वोल्टा एंड गैल्वेनी। ये क्या किए, एक बीकर लिए थे, ध्यान सुनिएगा आपको काफी मजा आने का, और यहाँ से इंटरेस्ट आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा मजा आएगा, मतलब मजा आएगा पढ़ने में, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन बनेगी तो मजा आएगा, तो चैप्टर इजी और इजी लगेगा, तो क्या होगा आपका एग्जाम निकलेगा, आपको पता है सरहद तो एक दूसरे के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए इसमें क्या था, ब्लू कलर का सोल्यूशन था, क्या था CuSO4 था एक्वस मीडियम, और उसमें आपका एक जिंक का रोड डिप
करती है, जिंग रॉड। ये आपका जिंग रॉड है। एक अब क्या हुआ, यही कौन वोल्टा और गैल्वेनी। अब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम दे ऑब्जर्व। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही बस कुछ किए नहीं, बस कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक रॉड को डाल के छोड़ दिए। अब कुछ समय बाद देखा गया कि कुछ ये कुछ ऑब्जर्व किए। क्या क्या ऑब्जर्व किए, तीन चार पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जर्व किए थे। पहला पॉइंट देखे थे क्या कि जो कलर था, कलर वाज फेडिंग, फेडेड। एक सेकेंड जो था वो था आपका क्या था, वो था आपका कि जो कलर था, ये तो हो गया जो सेकेंड था कि ब्राउन कलर का पीपीटी बन रहा था, ब्राउन कलर पीपीटी, कलर पीपीटी फॉर्म हो रहा। थर्ड पॉइंट आपका क्या था कि जो बीकर था, बीकर गेट वॉर्म। मतलब हीट हो गया, या तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और फोर्थ था जो क्या कि द जिंक रॉड वॉज थिनर, ये चार पॉइंट देखा गया कौन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, बस कुछ किए नहीं थे, बस सिंपल ये डाले थे। उसके बाद ये देखे कि कलर उसका क्या फेड हो रहा था, और फिर ब्राउन कलर का पीपीटी कम हो रहा था, फिर सेकंड थर्ड क्या है बीकर जो था, ये बीकर क्या गर्म हो गया, और लास्ट क्या था जो जिंक का एरर था, क्या हुआ पतला होना स्टार्ट हो गया। ठीक, मतलब डिप्लेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक, ऐसा क्यों हुआ ध्यान सुनिएगा। वो क्या दिए प्रेडिक्शन, वो दिए प्रेडिक्शन दिए प्रेडिक्शन दिए क्या कि जो ना, नहीं प्रेडिक्शन है नॉट ट्रू, मतलब ये ट्रू नहीं है, इसको लिखते हैं नॉट ट्रू, नहीं आप इसको ट्रू मान मत लीजिएगा। ठीक, वो बताया क्या कि जो जिंक था और क्या था CuSO2, ये इसमें कन्वर्ट हुआ किसमें, Cu+2 और ZnSO4। ठीक, अब देखिए ZnSO4 में कन्वर्ट, और बोले कि यहाँ पे जो पीपीटी बन रहा था, पीपीटी जो बन रहा था यहाँ पे लिखे ना ब्राउन पे पीपीटी, लाइक ब्राउन से ही करते हैं, खाली ब्राउन है क्या, चेक इट इज पॉसिबल और नॉट, चलिए यही लेके चलते। ठीक, ये ब्राउन कलर पीपीटी, तो वो बताया कि ये जो ZnSO4 है यही है आपका ब्राउन कलर पीपीटी बनता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ZnSO4 क्या होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर मतलब सोल्यू क्या होता है, ये काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है। इसको और अच्छा से लिखते नीचे। ठीक, देखिए क्या लिखे, ZN+CuSO4 गिव्स Cu+2+ZnSO4। वो क्या बोले, यही यही इसी का क्या था पीपीटी, ठीक है ना, वो बता प्रेडिक्शन था। ये आपको बता दे ये क्या होता है आपका, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली इन वाटर। ठीक, अब आप ही बताइए कि जो हाईली सोल्यूबल वाटर हुआ क्या उसका पीपीटी बन सकता है क्या। सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये जो था ये सॉल्यूशन था, ये क्या था एक्वस था,
एक पोस्ट था, जाहिर सी बात है मतलब कि सीयूएसओ पोर्ट था, जाहिर सी बात है इसमें पानी भी रहा होगा, और पानी रहा होगा तो अगर जेडेन से पूरा बनेगा तो वाटर में सोलूबल है, यहाँ पे देखो है ही, तो कैसे कैसे बनेगा पीपीटी? नहीं बनेगा, मतलब ये पीपीटी जो ब्राउन कलर का था वो पीपीटी जेनरेशन फोर का नहीं बना, भाई किसका बन रहा था? आपके एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे कि ये इसका बोल सकते क्या कि सोलुबिलिटी बोल सकते हैं, सोलुबिलिटी इसका काफी ज्यादा होता है जेनरेशन फोर का, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, नो ब्राउन कलर पीपी, ब्राउन कलर कलर पीपीटी, कलर पीपीटी नॉट फॉर्म बाय जेडेनएसओ, उससे नहीं बन रहा था। क्या था, किसी कारण से बन रहा था ना, ये क्या था, ये सब मेरा क्या था, सब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन सारा क्या था मेरा प्रेडिक्शन ये वाला, ठीक। लेकिन ये जो बताया हाई सोलिनिटी वाटर, ये सभी बात पता होना चाहिए, हालांकि आपको नहीं तो आप बता दिए, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उस सोलिटी इंक्रीज होता है और ये क्या ज्यादा होता है, तो इसी कारण से पिटकी बने थे, क्या हुआ होगा देख। इसका जो रियल कंक्लूजन था, रियल कंक्लूजन ध्यान सुनिएगा, तो मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए तो रियल जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन वो क्या था कि जो जेडेन प्लस सीयूएसओ फोर था वो आपका जनरली किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सीयू सॉलिड और जेडेन एच आई प्लस टू था। अब देखिए यहाँ पे कितना है, जीरो, यहाँ पे कितना है प्लस टू, यहाँ पे कितना है जीरो, यहाँ पे कितना है प्लस टू, देख सकते हैं जेडेन यूज किस में जा रहा है, जेडेन प्लस टू, मतलब क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, हालांकि नहीं पता तो हम बताएंगे अभी। और सी यू प्लस टू से किस में जा रहा है, सी यू में, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। एक काम करना पहले इसको क्लियर कर देते हैं क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि वो पता है बहुत सारा बच्चा जो हो गया वो बेसिक से स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको पता नहीं क्या होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, राइट। अभी हम बात करें क्या ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीडेशन के इसका तीन चार डिफिनेशन होता है जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं, हालांकि टेंथ में या जूनियर क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर बोल सकते क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या बोल सकते हैं क्या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन। एक और होता है गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया किसका एग्जाम्पल के क्या दे सकते, देखिए जेडेन क्या किया, जेडेन प्लस टू, देखिए पहले से कितना था जीरो, यूज कितना है प्लस टू, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन क्या करा इंक्रीज, या गेन, या बोल सकते हैं इंक्रीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इंक्रीज बोल सकते हैं आप, तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपका, ये हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, देखिए कहाँ पे हुआ, जीरो से टू गया दो इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुआ, ये हो गया, ये इसका डिफिनेशन हो गया किसका ऑक्सीडेशन का, ठीक। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और हम देखिएगा अब बात करते हैं क्या रिडक्शन के बारे में, रिडक्शन के बारे इसमें क्या होगा, उस जस्ट इसका अपोजिट करेंगे क्या, वहां पे क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो जाएगा वहां पे लॉस ऑफ क्या था ऑक्सीजन, सॉरी गेन, यहाँ पे क्या होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन, तीसरा क्या था यहाँ पे हो जाएगा वहां पे क्या था गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ वहां पे लॉस था, यहाँ पे क्या होगा लॉस ऑफ, वहां पे गेन क्या था जी,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। देख अह क्या होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जांपल देख सकते हैं Cu+2 से किस पे गया सी। देखिए यहाँ पे दो था यहाँ पे जीरो हो गया तो लॉस क्या किया लॉस किया। अबे क्या है ना इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितना प्लस टू था कितना होगा मान लो दो इलेक्ट्रॉन कमी थी तो इसको दो मिल गया तो हो गया गेन। एक तो आप लोग बेसिक क्लास में ये पढ़े होंगे ठीक ना। फिर हम बता रहे ये हो गया क्या आपका बेसिक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब बात यहां तक नहीं रुका अब आपका आपको पता है अभी हम क्या बात किए कि Zn+CuSO4 गिव्स ZnSO4+Cu। ये क्या था सो अब वहां पे क्या था कि जो ब्राउन कलर पीपीटी था वो बोल रहे थे किसका था ZnSO4 का था। किसका बोले थे वो ZnSO4 का। लेकिन ये क्या होता है हाईली सोल्युबल तो इसका तो होगा नहीं तो किसका होगा इसका होगा। अब आपको मानना है कि आपको कैसे पता कि इसका ही होगा तो इसका क्या हुआ हम बताते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन। इसके हेल्प से पता चला जो प्रॉपर सॉलिड उसी का क्या होता है ब्राउन पीपीटी जो बन रहा था वो इसी के कारण से हो रहा था ठीक ना। ये रीजन अब देखिए अब ये जो रिएक्शन हुआ था ये जो रिएक्शन हो रहा था ये क्या था डायरेक्ट हो रहा था डायरेक्ट हो जाता। और इसमें क्या है ऑक्सीडेशन भी है और क्या है रिएक्शन भी है तो इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया डायरेक्ट रेडॉक्स डायरेक्ट क्यों बोले क्योंकि खुद से हो रहा था। रेडॉक्स मतलब इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज क्या रिएक्शन हो तो क्या हो जाए आपका डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज और बता देते हैं आपको कि जैसे ही कोई भी अगर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगा इसका मतलब उसमें क्या हुआ इन इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा मतलब से क्या देख क्या होगा मूवमेंट ऑफ यहां पे देख सकते हो ठीक ये वाला ये क्या बोल सकते हैं यहीं पे देख तो जैसे ही डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन आ गया